अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन आज की वीडियो में बात करेंगे स्क्रीन प्रिंटिंग के मेश के बारे में, यानी स्क्रीन प्रिंटिंग का जो कपड़ा होता है वो किस तरीके से होता है और किस चीज़ में के नंबर का कपड़ा हमें यूज़ करना चाहिए। ये देख लीजिए, ये मेरे पास 140 नंबर का कपड़ा है स्क्रीन का, ये देख लीजिएगा। तो गाइज आज की वीडियो में इसी कपड़े के ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे अगर आप कपड़ा प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको कितने नंबर का मेश यूज़ करना चाहिए, और अगर आप कागज़ प्रिंट करना चाहते हैं या फिर आप पॉलीथीन वगैरह प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको कितने नंबर का कपड़ा यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिएगा कि हमारे जो टेक्स्ट का साइज़ होता है अगर वो बारीक है, यानी हम बिल्कुल बारीक लिखाई को, जो हमारा मैटर लिखा हुआ होता है और वो काफ़ी बारीक है, अगर हम बारीक लिखाई को प्रिंट करना चाहते हैं, बारीक टेक्स्ट को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा मेश का यूज़ करना चाहिए, यानी ज़्यादा नंबर के कपड़े का यूज़ करना चाहिए। जिस तरीके से देख लीजिए, हम कार्ड प्रिंटिंग का काम करते हैं तो हमारे काम में कागज़ प्रिंटिंग का काम होता है जो उसमें काफ़ी बारीक बारीक टेक्स्ट होते हैं। जिस तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा, ये कार्ड हमने प्रिंट किया था, आप देख रहे होंगे इसमें काफ़ी बारीक टेक्स्ट हैं, ये जो लिखाई है, ये हमारा टेक्स्ट होते हैं, इनका साइज़ काफ़ी बारीक है। तो गाइज़ अगर आप बारीक साइज़ को, बारीक टेक्स्ट को, बारीक लिखाई को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा नंबर के कपड़े का यूज़ करेंगे, यानी ज़्यादा स्क्रीन प्रिंटिंग के मेश का यूज़ करेंगे। और अगर आप मोटी लिखाई यानी मोटी साइज़ का टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हैं, जिस तरीके से ये मैंने अपना कैरी बैग प्रिंट किया था, इसमें आप देख रहे होंगे काफ़ी मोटे टेक्स्ट आपको दिख रहे होंगे, जो लिखाई है वो काफ़ी मोटी मोटी दिख रही होगी, तो आप इस तरीके के मोटे टेक्स्ट को यानी ज़्यादा पॉइंट के टेक्स्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको कम नंबर के मेश का यूज़ करना चाहिए, कम नंबर के कपड़े का यूज़ करना चाहिए। यानी अगर आप मान लीजिए आप कपड़ा प्रिंट करना चाहते हैं या फिर आप इस तरीके से, जैसे कि ये आपने देखा अभी, ये हमारा कैरी बैग है, इस तरीके से कैरी बैग प्रिंट करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें आपको मोटे टेक्स्ट यानी मोटे लिखाई, मोटे साइज़ का कोई भी चीज़ आप प्रिंट करेंगे तो वो मोटी ही प्रिंट करेंगे। तो गाइज इसके अंदर आप 80 नंबर से 120 नंबर तक के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, यानी जितनी ज़्यादा आपकी लिखाई का साइज़ बारीक होगा तो आप उतने ही ज़्यादा नंबर के कपड़े का यूज़ करेंगे। और अगर आपके टेक्स्ट का साइज़ मोटा है, आपकी लिखाई का साइज़ ज़्यादा मोटा है, यानी मोटी मोटी चीज़ें आपको प्रिंट करनी पड़ती हैं, तो आप कम नंबर के कपड़े का यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में यही बताना था। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।